जिला मुख्यालय रिकांगपियो में रविवार को न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन की नॉर्ड इकाई की बैठक अध्यक्ष वीरेंद्र नेगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन के महासचिव भरत शर्मा ने शिरकत कर न्यू पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय रिकांगपियो में महारैली का आयोजन किया जाएगा तथा उन्होंने सभी विभागों के एनपीएच कर्मचारियों से इस रैली में भाग लेने की अपील की है। वहीं भरत शर्मा महासचिव राज्य न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन ने कहा कि 24 अक्टूबर को जिला के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी रामलीला ग्राउंड में एकत्रित होंगे। वो वहां से एक प्रदर्शन रैली के माध्यम से अपनी आवाज को प्रदेश व केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। रैली बचत भवन से वापस रामलीला ग्राउंड पहुंचने के उपरांत उपायुक्त किन्नौर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम भरत शर्मा है। मैं न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन का राज्य सचिव हूं और न्यू नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का राष्ट्रीय सचिव हूं। आज किन्नौर के अंदर हमारी बैठक हुई जिसमें 150 कर्मचारियों ने भाग लिया, जो विभिन्न विभागों के कर्मचारी थे। और जो हमारी आज की बैठक का मेन एजेंडा था वो था कि 24 अक्टूबर को जो हमारी यहाँ पे एक सांकेतिक धरना होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है वो संवाद के माध्यम से हमारी बात को नहीं सुन रही है। तो हमने जो एक नारा दिया है कि अब संघर्ष के माध्यम से हम सरकार को अपनी बात सुनाएंगे, उसी मुहिम के अंतर्गत आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी। और उस बैठक में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने एक प्रण लिया है कि हम 24 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर जिला स्तर पर सांकेतिक धरने को कामयाब बनाएंगे। और उसके बाद जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी उस पर वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। किन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।